गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूक्रेन की ट्रेन्स के बारे में, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जैसे कि यूक्रेन में कौन से सबसे कंफर्टेबल ट्रेन होती है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूक्रेन की ट्रेन होती बहुत अनकंफर्टेबल और स्लो होती है, तो क्या ये सच है या झूठ है, चलो आज पता करते हैं, आपको बताता हूं मैं। सो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूक्रेन ट्रेन्स बहुत अनकंफर्टेबल होती है, बट हाँ ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो। यूजुअली जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है, बट हाँ कुछ क्लासेज ऐसी होती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हो, क्योंकि उसमें जो सीटिंग का या फिर सारी चीज़ें वेल फर्निश्ड नहीं होती क्योंकि थोड़ी पुरानी है। बट ओवरऑल कभी अगर लॉन्ग जर्नी या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए जाना होता है तो उस हिसाब से जो ट्रांसफॉर्मर ट्रेन होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। सो अभी मैं आपको सेकंड क्लास का पूरा टूर देता हूँ और आप खुद ही देखो, आप मुझे कमेंट में बताओ कि कैसी लगी आपको ट्रेन अंदर से। केबिन दिखा रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी प्यारा बना रखा है इन्होंने अंदर, अच्छा वेल फर्निश्ड है, काफ़ी तीन बैठने के लिए सीट्स भी है, साथ में आर्मरेस्ट वगैरह दे रखा है और नीचे यहाँ हम अपना लगेज रख सकते हैं या फिर और एक्स्ट्रा लगेज है हमारे पास, छोटे बैग हैं तो हम यहाँ ऊपर डाल सकते हैं। ये हमारी स्टडी लाइट हो गई, चार्जिंग पॉट हो गया, काफ़ी बड़ा सा विंडो दे रखा है, ये खुलने वाला नहीं बट हाँ ये कर्टन लगा सकते हैं हम यहाँ पर। सो ये यूक्रेन की सबसे कंफर्टेबल ट्रेन मुझे लगती है। जर्नी में बोर हो गए तो फिर तो यहाँ पे आके आराम से आप खिड़की भी रेस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग फील होता है, बहुत ही कंफर्टेबल है। अभी ट्रेन चल रही है पूरा फुल स्पीड में बट पता नहीं चल रहा। चलो भाई वॉशरूम का भी टूर दे देता हूँ आप लोगों को, देखो ये वॉशरूम दिखाता हूँ। बड़ा सा मिरर भी दे रखा है, साथ में ऑटोमेटिक फ्लश दे रखा है, यहाँ पे काफी साफ सुथरा सा है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है यहाँ पे। सेकेंड क्लास का टूर था और यूजुअली इस ट्रेन को ट्रांसफार्मर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। सो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लगता है कि ये ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ के लिए अवेलेबल होती है आपको, जैसे स्कीव से अगर आपको इवानो फ्रैंकिस्क जाना है या फिर लिवीव जाना है या फिर आपको खार्किव, डनिप्रो अगर कहीं भी जाना है तो हर रूट पर ये ट्रेन अवेलेबल होती हैं। और सबसे अच्छा होता है कि ये यूजुअली नाइट टाइम के लिए या फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसके लिए अवेलेबल होती है, तो मुझे ये यूक्रेन की सबसे बेस्ट और सबसे कंफर्टेबल ट्रेन लगती है। सो गाइस सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे यूक्रेनियन ट्रेन के बारे में ये होता है कि ये बिल्कुल पंक्चुअल होती हैं, अगर आपकी ट्रेन 10 बजे जानी है तो 10 बजे जाएगी और अगर आपकी ट्रेन डेस्टिनेशन पे 11 बजे पहुंचनी है तो एक्जैक्टली 11 बजे तक वो पहुंच जाएगी। यहाँ पे ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं होती, बिल्कुल प्रॉपर टाइम से चलती है। सो दूसरी चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो कि यहाँ पे आपको हर वेगन में, हर डब्बे में आपको एक टीटी मिल जाएगा। यहाँ पे हर वेगन का अलग अलग टीटी होता है, जैसे कि हमारी इंडियन ट्रेन होता है कि एक ट्रेन में 2-3 टीटी होती, तो वैसा नहीं होता, यहाँ पे हर डब्बे का एक एक टीटी होता है, तो वो आपको टिकट चेक करने के बाद आपको एंट्री देगा ट्रेन में और वही आपको बताएगा कि आपको कौन सी सीट पे जाके बैठना है, सीट नंबर वगैरह सब आपको वो बता देगा। सो गाइस फर्स्ट और सेकंड क्लास में एक लिमिटेशन होती है कि इसमें स्टूडेंट आईडी काम नहीं करती है, तो जो स्टूडेंट आईडी होती है उस पर आपको एक कोड होता है जो कि आप टिकट लेने जाओगे कभी भी तो आपको स्टूडेंट आईडी पे 60-75% तक का डिस्काउंट मिल जाता है किसी भी टिकट पे। ये मेनली थर्ड क्लास तक के लिए वैलिड होता है, थर्ड या उससे नीचे क्लासेस के लिए, जैसे सिटिंग क्लास हो गया तो इसके लिए ये चीज़ वैलिड होती है। उस पर आपको स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टिकट 100 ग्रीवेंस का है तो आपको टिकट लगभग 30-35 ग्रीवेंस का पड़ेगा, तो ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट हो जाता है और चीप पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए।
तो ये चीज़ सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में अवेलेबल नहीं होती, मतलब कि आप स्टूडेंट आईडी यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो आपको पूरा फुल पे करना पड़ेगा अगर आप कहीं भी डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करो, बट कंफर्ट के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो गाइस मेरी अपकमिंग वीडियो में आपको मैं ये बता दूंगा कि आप कैसे ट्रेन के टिकट को बुक कर सकते हो, और साथ में आप कैसे ट्रेन के टिकट को पहचान सकते हो कि आपका कौन सा बर्थ है, कौन से सीट पर आपको जाना है, कौन से कंपार्टमेंट, कौन से वेगन में जाना है आपको, कैसे ट्रेन में पूरा टिकट को कैसे डिकोड करना है। तो बहुत ईजी होता है, बस एक दो बार आपको अगर देख लोगे तो आप इजीली पहचान जाओगे कैसे करना होता है। तो वो चीज़ मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको जरूर शेयर करूंगा। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगे, अगर इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर गाइज आपको और भी कुछ एक्सपीरियंस रिलेटेड देखना तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।